दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुजरात के जीतने के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष बने महेंद्र सिंह धोनी, और अध्यक्ष बनते ही महेंद्र सिंह धोनी ने किया बहुत ही बड़ा ऐलान, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने साउथ अफ्रीका दौरे के लिए क्या किया, होश उड़ा देने वाला बयान, ये तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2022 के फाइनल के समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान बीच आईपीएल में ही हो गया था, और भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज भारतीय सरजमी पर 9 जून से 19 जून के बीच खेलेगी। और इस बीच भारतीय टीम के कई बड़े और हैरान कर देने वाले चेहरों को टीम में आराम दिया गया है, और उनकी जगह कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिनकी आने से भारतीय टीम और भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आ रही है कि बीसीसीआई ने अपने गवर्निंग काउंसिलिंग में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल कर लिया है, और अब महेंद्र सिंह धोनी बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने वाले हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने एक हैरान कर देने वाला ऐलान किया है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा साउथ अफ्रीका दौरे के लिए बहुत ही बड़ा नाम देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका दौरे के लिए सभी खिलाड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा, तो वहीं अनुभवी खिलाड़ियों की जगह नए खिलाड़ियों को अपनी दावेदारी भारतीय टीम में ठोकने का मौका मिल गया है। और इस सीरीज में भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी, जो आने वाले समय में भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ी बन सकते हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। और इस आईपीएल के समाप्त होने के बाद भारतीय टीम के राजस्थान और गुजरात को छोड़कर बचे हुए खिलाड़ी बायो बबल में चले गए हैं, और हार्दिक पांड्या की टीम में चुने जाने के कारण हार्दिक पांड्या भी टीम में जाएंगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का बहुत ही बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है अगर वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो जी हां, बीसीसीआई के अध्यक्ष अगर महेंद्र सिंह धोनी बनते हैं तो हार्दिक पांड्या को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम का कप्तान बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी से आईपीएल में सभी को प्रभावित किया है और गुजरात को चैंपियन बनाया है, जिसके कारण भारतीय टीम ने उनके लिए कप्तानी के दरवाजे खोल दिए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या साउथ अफ्रीका दौरे के लिए कप्तान उनको बनाया जा सकता है या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।